नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 23,077 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,749 मामलों में लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इसमें से 2 लोगों को जल्द छुट्टी मिल सकती है, बाकी 2 मरीजों के सेहत में सुधार हुआ है। उम्मीद है ये लोग जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। त्रिपुरा देश का तीसरा कोरोना फ्री राज्य बन गया है। गोवा, मणिपुर के बाद त्रिपुरा में भी अब एक भी कोरोना का मामला नहीं है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने आज ये जानकारी दी। भारत में संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां संक्रमण के 6,430 मामले हैं, जबकि राज्य में 283 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे स्थान पर गुजरात है। यहां संक्रमण के मामले 2,624 हैं, साथ ही 112 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और शहरों से दूरी कम करने के लिए सरकार ने 2 बड़े काम किए हैं। इनमें से एक ई ग्राम स्वराज और दूसरा काम स्वामित्व योजना है। इस मौके पर उन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गाँव का कोई भी व्यक्ति उसकी ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी उसे अपने मोबाइल फोन पर ही मिल जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी प्रक्रियाएं तेज होंगी। मोदी ने कहा कि 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी ग्रामीणों ने बेहतर काम किया है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि भारत को गरीबों के प्रति और संवेदना दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में लॉकडाउन से लाखों की संख्या में गरीब बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक उस स्तर पर कुछ भी पर्याप्त नहीं किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना राहत पैकेज का ऐलान लगभग 1 महीने पहले किया, पर अब तक वह आम जनता तक नहीं पहुंच सका है। इस पैकेज के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले हर परिवार को 1 किलोग्राम दाल दी जानी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 10% लोगों को ही दाल मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 1.95 लाख मीट्रिक टन दाल बांटी जानी थी, लेकिन अब तक कुल मिलाकर 19,496 टन दाल ही बांटी जा सकी है, जो कुल बांटी जाने वाली दाल का तकरीबन 10% है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कथित तौर पर कोरोना संक्रमित होने के संदेह में कुछ लोगों ने एक युवक की इतनी बहरे में से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया यह घटना ठाणे के कल्याण की है। 34 साल के युवक के कोरोना से संक्रमित होने के संदेह पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान वह गटर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता और रिपब्लिक टीवी के मुंबई स्थित ऑफिस को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। बेंच ने कहा कि 3 हफ्ते तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। मामले में अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें, अपने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर अर्णब के खिलाफ देश भर के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी के खिलाफ अर्णब ने याचिका दायर की है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमण के मामले बढ़कर 27,26,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,91,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या लगभग 7.5 लाख के करीब हो गई है। ब्रिटेन में 2 लोगों को संभावित टीका लगाया गया है। ये पहला मौका है जब यूरोप में इंसानों पर किसी वैक्सीन का टेस्ट किया गया है। इस अध्ययन के लिए कम से कम 800 लोगों को चुना गया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक टीम ने 3 महीने के भीतर विकसित किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के कहर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सलाह को लेकर डॉक्टरों ने कड़ी आपत्ति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सलाह दी है कि इस पर शोध होना चाहिए कि क्या रोगाणुनाशकों को शरीर में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। हालांकि उसी प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टरों ने इसे खारिज कर दिया। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 8,86,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं इटली दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां मरने वालों की संख्या 25,549 हो गई है। देश में संक्रमण के कुल 1,89,973 मामलों की पुष्टि हुई है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 22,157 है और फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 21,856 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर रमजान शनिवार को शुरू हो रहा है, लेकिन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
लगभग एक महीने तक बंदी के बाद अंततः सरकार ने रमजान के लिए मस्जिदों में प्रार्थना को मंजूरी दे दी है। ये अपने आप में चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस्लाम का मूल स्थान माने जाने वाले सऊदी अरब ने भी अपने यहाँ सामूहिक प्रार्थनाओं पर लगे प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला किया है। अब तक के खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।